हेलो दोस्तों, पता नहीं आप लोगों ने हर सिंगार के पत्ते के बारे में या उसके फूल के बारे में सुना है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हर सिंगार के पत्ते या फूल कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। कई बीमारियों के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं और ख़ास करके अर्थराइटिस में इसका तो बात ही अलग है। दोस्तों, हर सिंगार का पौधा कई गुणों का खजाना होता है। इसके पत्तों में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है और ऐसे में अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है तो हरसिंगार के पत्ते आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं अगर आप इसका सेवन करेंगे तो। दोस्तों, हरसिंगार के पत्तों के लाभ क्या क्या हैं? इसमें एंटी एलर्जी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण से भरपूर माना जाता है। इसमें हरसिंगार के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं क्योंकि इतने सारी चीज़ आपने देखा। चाय बनाएं इसका, गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए आप हरसिंगार की चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आपको हरसिंगार के फूल और पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, खाली पेट करना है सेवन आपको। हरसिंगार की फूल पत्तियों को पानी में उबालकर चाय बना लें। इसे खाली पेट पीना फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसा करने से गठिया के दर्द से राहत मिल सकती है। दोस्तों, गठिया को इंग्लिश में अर्थराइटिस भी बोलते हैं। तेल से मालिश करें। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप हरसिंगार के तेल से जोड़ों की मालिश कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ ये सूजन भी कम करता है। हरसिंगार के पत्तों में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। ऐसे में इसे बनी चाय का सेवन करने से सूजन को कम करने में मदद मिलती है। या इसके तेल लगाइएगा तो दर्द से राहत और सूजन से भी कमी होगी। जोड़ों के दर्द से राहत। अर्थराइटिस में होने वाले जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप हरसिंगार की पत्तियों की चाय पी सकते हैं। इससे दर्द से राहत मिलता है और दर्द जब कम होगा तो आप फटाफट अपने काम को करने लगिएगा। दोस्तों, ये तनाव से भी राहत देता है। हरसिंगार के पत्तों से बनी चाय का सेवन करने से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इसे गठिया के लक्षण भी कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरसिंगार के पौधे की कई तरह के फ़ायदे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर की राय पर ही आप हरसिंगार के चाय या उसके पौधे के अलग अलग चीज़ों का सेवन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी टिप्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।